गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड हेल्दी। आज हम बेटा रेफ का प्रयोग सीखेंगे, ठीक है ना? रेफ, जैसे ये यहाँ पे क्या बना हुआ है, सूर्य बना है, सूर्य, रे है ना, पार्क, पार्क मतलब ये चीजें हमारी, हम ऐसे इनको नहीं लिख सकते। देखिए, सूर्य सूर्य ऐसे हम नहीं लिख सकते, पा र क पारक ऐसे नहीं, पार्क पार्क है ना। तो इसे क्या हम बोलते हैं, इसे रेफ बोलते हैं। जो आधा रा होता है, अगर उसके नीचे हलंत, किसी व्यंजन के नीचे अगर हलंत, इसे हलंत बोला जाता है, ठीक है, हलंत लगा है तो वो आधा कहलाता है। तो ये आधा रा है, तो अगर उसको हम ऐसे नहीं लिख करके हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। ये सूर्य, पार्क, मुर्गा, दर्पण, दर्पण है ना, दर्पण, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये रेफ, इसे रेफ कहलाता है। क्या कहलाते हैं ये, रेफ कहलाते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। तो हमें कैसे पढ़ना है इसे, सूर्य, पार्क, मुर्गा, दर्पण है ना, सूर्य, पार्क, मुर्गा, दर्पण। अब देखिए, अब आगे हम और अपन और पढ़ते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट वीडियो में, आपकी नेक्स्ट क्लास में, मैं आप लोगों को तीन प्रकार के जैसे राह हैं वो आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगी। अभी आप रेफ इसका प्रयोग सीखिए, फिर हम बोर्ड में इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, शर्म, गर्म, नर्म, मर्म, धर्म, फर्क, अर्ज, कर्ज, मर्ज, तर्क, फर्श, नर्स, मार्ग, कार्ड, आर्य, कार, वर्षा, दुर्गा, कर्मवीर, धनुर्धर है ना, ये है। फिर अगला है, एक है छोटा सा लेसन है, कर्मवीर एक कर्मठ कृषक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे डिफरेंस देखिए, ये आपकी री की मात्रा हो जाती है, ठीक है ना, जो कि अपने आप में ही एक अक्षर है। री ऋषि की मात्रा जो हम कहते हैं, वो अपने आप में एक अक्षर, इसमें इसका साउंड कैसे होता है, री आता है, कृषक, क्री, क्री, री निकल रहा है ना, कृषक है ना। और इसमें जो कर्मठ, 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 रा आ रहा है, लेकिन रा पूरा नहीं, आपको कर्मठ ऐसा नहीं है, कर्मठ आप ऐसा बोल रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ कर्मवीर, कर्म, कर्मवीर हो जाएगा, नहीं तो अगर हम पूरा रा लिख देंगे तो हो जाएगा कर्मवीर, दैट इज रॉन्ग। ये राइट वर्ड आपका है कर्मवीर, कर्मवीर, कर्म, कर्म, कर्मवीर है ना। इस चीज़ को, साउंड के इफेक्ट को समझिएगा बेटा, इसमें कृषक है ना, ये डिफरेंस है। अभी हम इसको और आगे अच्छे से पढ़ेंगे। वह सूर्य उदय से पूर्व उठता है, गर्मी, सर्दी और वर्षा तीनों ऋतुओं में उसका यही नियम है। वह धर्म कर्म को बहुत मानता है, वह सूर्य की पूजा अर्चना करता है, वह सर्वदा निर्भय रहता है, वह निर्धन की सेवा करता है, वह समय पर सारे कार्य पूर्ण करता है ना। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो रा आपका अक्षर है, रा व्यंजन है, तो उसमें उसे हम जब आधा, अगर और सभी मात्रा और सभी अक्षर हम क्या कहते हैं, आधा लिखेंगे या आधा के नीचे हम अलंत, लेकिन जो जब हम उसको, जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं है ना, जैसे हमें लिखना मक्खन, तो आधा का हो गया। इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आधा अक्षर कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ें समझ में आ, मक्खन है ना, तो ये आधा का आ गया है ना। जैसे अब हमें, लेकिन हमें अगर लिखना दर्पण, 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 दर्पण है ना, तो आपको जैसे दर्पण, दर्पण ये रॉन्ग है, आपको कैसे लिखना होगा, या फिर आपको इसके नीचे हलंत भी नहीं लगा, आप जो हलंत लगा उसको आपको डायरेक्ट लिख देना है, दर ऊपर रा हो जाएगा, सी के आकार के जैसे, जैसे इंग्लिश में सी होता है, दर्पण, दर्पण, ये आपका राइट वर्ड है, ठीक है ना। अब चलिए, इसमें छोटी सी एक बेटा
पोएम है। देखो यहाँ वर्षा हो रही है तो इसके ही बारे में बताया गया है। दो बच्चे हैं जो कि वर्षा की बूंदों का आनंद ले रहे हैं। चलिए, वर्षा के आते ही देखो सबने कितना हर्ष मनाया, मेढक टर टर करते निकले, अर्जुन संग कर्ण भी आया। है ना, वो जो बच्चे हैं उनका नाम अर्जुन और एक कर्ण है, तो सारे लोग जैसे ही बारिश हो रही है उसका आनंद उठा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसमें हमने दो मात्राएं पढ़ ली र की। जैसे एक तो री ऋषि तो खुद में एक अक्षर है, तो उसकी मात्रा ये हो गई, तो ये किसी के नीचे बन जाए लग जाएगा तो हो जाएगा जैसे गृह 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 मीन्स घर। और अगर अभी हमने पढ़ा र रेफ की मात्रा, वो होती है आपकी ये, तो जैसे हमें लिखना है सूर्य या कर्म कर्म है ना, तो कर्म ये अगले जो अक्षर होता है व्यंजन होता है उसके ऊपर ये मात्रा चढ़ती है। ठीक है, अभी इसमें दो प्रकार और है बेटा, वो हम उन सब में डिफरेंस आगे मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपको इस लेसन को बार बार 2 या 3 बार पढ़ना है। ठीक है ना, इसमें भी इसे भी पढ़िएगा, साथ में आप री ऋषि मात्रा वाली लेसन भी जरूर पढ़िएगा ताकि आपको थोड़ा साउंड का डिफरेंस समझ में आने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।